हाँ जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। लो जी, आप जो लैके चलेंगे कबाब ते पोलैंड दे विच, कबाब तुर्किश फूड किवें बनते, सवेरे सवेरे किवें तैयारी करते हैं। आपां फ्रेंड हैगा नेपाल तो निशान, वह आपां दसेगा सारा जी। सवेरे सवेरे कूरचक यानी कि चिकन ते बीफ दा मास, और सवेरे सवेरे सीख ते किवें लाउंदे ने, सलाद किवें बनाउंदे ने, कुक दे किन्ने क पैसे हैगे ने, किन्ना क कम वा, ते दुस्तावा यानी कि फूड डिलीवरी वाले नूं किन्ने क पैसे बनते हैं, तो उन्हां कोले किन्ना क कम हैगा वा, जां छोटा मोटा इत्थे पोलैंड विच बिजनेस शुरू करना होवे ते किन्ने क पैसे चाहिए ने, इस बारे आपां गल करते हैं जी। चलिया जी मैं उन्हां कोले, ते देखदे आपां जी सवेरे सवेरे कबाब की तैयारी किवें करते हैं, तो कस्टमर नूं कट के मास किवें वेचते हैं, आपां सारा देखांगे अज्ज जी। लो जी, आपां आ गए रॉयल कबाब ते बॉसो दे विच, इक छोटा जिहा कबाब आ। इतों आपां उन्हूं पुछांगे वी कुक दी किन्नी सैलरी आ, ते फूड वाले डिलीवरी फूड वाले उन्हूं किन्नी क तनखाह देंदे ने, सारी गलबात करांगे। हले तो अंदर तैयारी करता पिया वा, उन्हां चिर आपां चलो अंदर चलते हैं जी, अंदर जाके उन्हां नाल फिर गलबात करते हैं सारी। लो जी, आपां आ गए कबाब दे अंदर। अपने निशान भाई ने, निशान भाई स्टेंस लिवो नोवे को रोकू, थैंक यू। ये निशान भाई अपने नेपाल से हैं और यहाँ पे काम करते हैं, ये इनका खुद का कबाब है, तो इनसे पूछेंगे कैसे कबाब बनाते हैं। ये अभी कबाब वो भी ना का निशान भाई, वो भी ना होंगी जी गाय का मास, ये गाय का मास है, तो दूसरी खाली मशीन उत्थे लाएंगे मुर्गे का मास कूरचक, तो बाकी चलो आप देखते हम किवें कबाब बनाते हैं, तो नाले नाल आप इन्होंने गल करा, तो नाले कबाब बनाते हैं। शुरू कर रहे निशान भाई, आप शुरू करता हूँ। निशान भाई, कितना टाइम हो गया आपको यहाँ रहते हुए? मेरा इधर 13 साल हो गया। 13 साल? 13 साल हो गए यहाँ इसी कबाब पे काम करते? 13 साल हो गए, बहुत टाइम हो गया कबाब पे काम करते आपको। हाँ देखो, ये कूरचक है, मैं तुम दिखाना वा, 20 तो 25 किलो है, मसाले मसूले ला के रखा हुआ वा, तो इस तरह सीख तो लाना होंगे सवेरे सवेरे। कबाब लाना निशान भाई, जो कबाब लगाना जिसको आता है, तो कितने के पैसे बनते हैं उसको लगाने का? घंटे का प्रोफेशनल बंदे को 1800 से ऊपर 18 जलोटी घंटे की से ऊपर, जिसको मास लगाना आता है, सब कुछ आता है, जो मास लगाना काटना बनाना जो भी है, 18 से 25 तक लेते हैं। 18 से 25 जलोटी घंटे की, बहुत अच्छी कमाई है भाई ये तो। स्टार्टिंग में, और स्टार्टिंग में कितने? हाँ स्टार्टिंग में 14 अरे स्टार्टिंग में वही है 14 रुपए 15 रुपए, ठीक है। प्रोफेशनल को 18 से 25 रुपए, बहुत अच्छी कमाई है। मैं भी काम छोड़ के इधर ही काम कर लेता हूँ, मैं भी लगा रहा हूँ चिकन। अच्छा चिकन, हाँ भी चिकन, ये चिकन पॉलिश में चिकन को बोलते हैं कूरचक। आज न्यू ईयर है, काम ज्यादा होगा इसलिए थोड़ा बड़ा लगाना है। वैसे नॉर्मली आप कितना लगाते हो रोज मास? मैं नॉर्मल 20 किलो लगाता हूँ, 20 और 10 30 किलो मांस यानी कि रोज लगाता 20 किलो का, ये इधर लगेगा मुर्गे का मांस और ये लगा गाय का मांस, वो भी ना बोलते हैं पॉलिश लैंग्वेज में, ये 10 किलो का, ये बना बनाया आता, ये इन्होंने बना बनाया खोला और लगा दिया। और कूरचक का भी बना बनाया आता? नहीं, भाई मैं खुद बनाता हूँ। वो जो बना बनाया आता वो महंगा होता है, कैसे टेस्ट का कोई फर्क होता? अच्छा नहीं होता। अच्छा, जो बना बनाया आता है वो टेस्ट का थोड़ा सा फर्क होता, अच्छा भी नहीं होता, मांस कम होता उसमें, तो जो खुद बनाते हैं। ये मुर्गे का मांस है फ्रेश, कल 1-2 दिन पहले आता, अपना मसाला लगा के, ये देखो मसाला लगा के, इंडियन मसाले भी डाले हैं इसमें भाई? हाँ इंडियन, थोड़ा सा करी डाला हुआ है, इंडियन मसाले और थोड़े से तुर्किश मसाले, ज्यादा मिक्स करके रख देते हैं आप, ज्यादा तुर्किश। हाँ देखो यार, जो सीख ते मांस लाते पे ना, ये होंगी ज्यादा कारीगरी, ये तुम्हें एक पासे लैवल दे विच लाना पैंदा, जे तुसी थोड़ा जा इधर उधर ला देंगे तो सीख दे ना चंगी तरह घूमता नहीं, तो फिर एक पास कच्चा रह जाता, एक पास पक जाता वा, तो सारा खराब हो जाता। निशान भाई, इसको क्या बोलते हैं जो सीख पे माल लगाते? बारतक बोलते हैं इसको? बारतक, हाँ जो सीख पर माल लाता पे बारतक कहते हैं, यानी कि जो बनेगा, तो जे बारतक थोड़ा सही लैवल बनया होएगा तो सीख तो बहुत सोहना घूमता, वधिया घूमता वा,
ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੱਚਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਗੋਲ ਗੋਲ ਸਾ ਬਣਾ ਰਹਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਗੋਲ ਗੋਲ ਸਾਰਾ ਸ਼ਿਕਮ ਲਗਾ ਰਹਾ ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਸੇ ਐਸੇ ਹਾਂ ਥੱਲਿਓ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ तो निशान भाई रोज की कितने की सेल हो जाती है आपकी 20 और 30 किलो मांस में से मेरा 10 किलो का निकलता है 500 रुपए 10 किलो मांस च 500 जलोटी बनती यानी कि इनानु जे 10 किलो का मांस होवेगा 10 किलो में खरीदता हूं ये चिकन खरीदता हूं मैं 10 रुपए किलो में यार ठीक है और वोबीना वोबीना ये रेडीमेड 12 रुपए 12 रुपए स्पेशल मुर्गे का मास है ना ये लेंदे ने 10 रुपए 10 जलोटियां किलो के हिसाब नाल अपना मसाला वगैरह लगा के एक दो दिन रख चढ़दे ने ते जेड़ा मिला के 11 रुपए पड़ता सारा कुछ मसाला मसूला ला के 11 रुपए बह जांदा वोबीना तो तुहानू बनया बनाया ही मिलदा इन्हां नू 13 को जलोटियां किलो के हिसाब नाल इन्हां नू पैंदा वा ये भी देख के ये भी सस्ता भी होता है इससे महंगा भी मिलता है मगर ये मेरा मीडियम है हां ये मीडियम साइज के सस्ता भी है महंगा देखो आग लगी हुई है ਤੇ ਉਹ ਪੱਕਦਾ ਪਿਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਵੇਖੋ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਉਹ ਪੱਕਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਮੁਰਗੇ ਦਾ ਮਾਸ ਨਾਲ ਲਾ ਦੇਣਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੱਕਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਭਾਈ ਹਾਂ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਦਸਤਾਵੇ ਕਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਾ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਾ ਵੀ ਲੜਕਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਗਾ ਹਾਂ ਤੋ ਕਿਤਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਤੇ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਾਲੇ ਕੋ ਉਸਕਾ ਘੰਟੇ ਦਾ 14 ਰੁਪਏ ਪਲਸ ਤੇਲ ਕਾ ਦੇਤਾ ਹਾਂ ਅਲੱਗ ਸੇ ਅੱਛਾ ਉਸਕਾ ਦਿਹਾੜੀ 200 ਰੁਪਏ ਦਿਨ ਦਾ 200 ਰੁਪਿਆ ਦਿਨ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਅੱਛਾ 15 ਰੁਪਏ ਘੰਟੇ 14-15 रुपये घंटे दे फूड डिलीवरी वाले की दिहाड़ी देंदे जी 14-15 रुपये घंटे तो 12 घंटे काम 12 घंटे काम और प्लस जे उनकी गड्डी आपदी है तो उन्होंने तेल का खर्चा दे देंगे ने जे गड्डी इन्हां दी चलाउंदे ने तो फिर 200 रुपया 200 जलोटी दिहाड़ी एक दिन की लो जी आ देखो मैं तुम दिखा जी मास निशान भाई मास बना रहे हैं ये मास बनाने का एक्सपर्ट है इनको 13 साल हो गया यही काम करते हुए ये खुद का इनका भी कबाब है पहले ये काम करते थे चिली कबाब से 87 कबाब पे काम करते थे भाई आप अभी ये खुद का इनका कबाब है भाई अगर छोटा सा ये कबाब खोलना हो ऐसा बिजनेस खोलना हो तो कितना को पैसा लगता है कितने की जलोटी लग जाती है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है इसमें डिपेंड करता है कैसी जगह है कुर्चाकिम तात ये सरा से आकी बाईस ना जीवित ना शे दबजे गो तो फुम बेंजे पुआतनोशी दबजे दबजे तो गुनास्त पावेश में बेंजे गुनास्त जब पुत्र गुज दबजे चेंग बे बात डिलीवरी का फोन था भाई हाँ एक कोई सवेरे सवेरे ऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं 10:30 का टाइम बजा इन्हें 12 बजे खोलना यानी कि एक घंटा पहला ही उन्हें आपका ऑर्डर देता फूड का अभी मेरे पास ये पिछने का है ये दो उबर का है ये देखो जी एक पिछने की मशीन लगी हुई है पिछने.pl एक उबर की मशीन लगी है इतने भी ऑनलाइन ऑर्डर आते हैं ऑनलाइन ऑर्डर रिसीव होते हैं तो जाके डिलीवर करा दी हुई आपकी तो PR हो गई आपकी चलो कंग्रेचुलेशन जी बिजनेस का भी कैसे खोलने का कितने को कौन सा लोकेशन पे खोल रहे हैं ठीक है जी अच्छा लोकेशन का किराया है ज्यादा है अच्छा जी हाँ ठीक है मेरा ये लोकेशन अच्छा है मगर दुकान दिखता अच्छा नहीं और बहुत महंगा है हाँ आपका किराया कितना है इस दुकान का मैं सब कुछ मिला के 5,000 देता हूँ 5,000 जलोटी पर मंथ बत्ती पानी सब मिला के अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ मिला के 20 में मगर इसका हाँ जी ज्यादा है इतने में छोटा छोटा हाँ ये तो है किराया बहुत ज्यादा दुकान का मगर आपकी लोकेशन अच्छी है कॉर्नर पे है इसलिए इसी लोकेशन के पैसे हाँ लोकेशन के पैसे हैं
और इतना बिजनेस अगर ऐसे इतना ही बिजनेस करना हो तो अंदर दुकान के अंदर कितना पैसा लगता है? इसमें आपको 50,000 जलोटी। अच्छा मिनिमम वही 50,000 जलोटी मिनिमम लग जाती है जी तो बिजनेस आपका शुरू करना हो उनके लिए एक कंपनी खोलनी पैंती है उनके लिए मैं तुम्हें अलग तो वीडियो बना के दसागा भी क्योंकि आंदा नाल तुसी वर्क परमिट ते आंदे जां स्टूडेंट आंदे तुसी आंदे नाल बिजनेस नहीं कर सकते उनके लिए एक फर्म खोलनी पैंती है तो मैं अलग वीडियो बना के तुम्हें दसागा। आप हम इतने निशान बाइक से बातें करते हैं कबाब की तो हाँ ये देखो जी कंप्लीट हो गया। ये कितने किलो था मास भाई है मेरा आपसे 25 किलो 25 और 10 35 25 किलो कुर्चक और 10 किलो वो भी ना 35 किलो धंधा 2500 मान के चला 2500 से ऊपर कम हुआ फिर दूसरा लाना पड़ेगा। हाँ देखो जी मास लगा है बराबर लाना पैंदा सारे पासे जे तुसी एक पासे माल ज्यादा ला देंदे जे ओ फिर एक पासे नूं घट वध जांदा वा ते ओ फिर सही नहीं बनता सही नहीं घूमता। हाँ देखो जी मास पूरा लगा हुआ वा मास ना ला लिया जी ते इहनूं चक के हुण मशीन ते रखेगा सीख पा के ते इहनूं मशीन ते उहनां ने ओ देखो जी मशीन ते रख दिता जी 10 किलो दा मास 25 किलो कुरचक रेडी है भाई आग लगाएगा इसको और ये भी धीरे धीरे कुछ करने का भी कुछ करने की जरूरत नहीं बना हुआ ये बस आग लगा देनी है और ये घूमेगा और पकेगा और धीरे धीरे से वो आगे आपको दिखाएंगे जब पक जाएगा कैसे काटना कैसे कबाब बनाना। अभी भाई करेंगे सरूफ का भी तैयार करेंगे आप सैलड सैलड देखो आग लग गई है उन्होंने आग लगाती है मशीन आधे घंटे से 35 मिनट घटो घट अद्धा घंटा लगेगा पकन लग गया जिसे फ्रिज च निशान पाई कट के सरूफ का यानी कि सैलड वगैरह रखे आना रखलामा है जी जिथे उन्होंने जो समान बना के बेचते हैं रॉयल कबाब किन्ने किन्ने प्राइस की लिखा हुआ वा तो इधर इन्होंने फ्रिज रखा जी जिंद कोले रखे हुए हैं तो इतने लोग खड़ के हूँ तो इन्हें समान रखे होंगे करोना करके बंद लोग अंदर नहीं आते इतने आपका लोग खड़ के खाते हैं तो बना हम तो सलाद बनाएंगे निशान भाई तो जो कस्टमर आने उदों भी तुम दिखावे। हाँ आ एक होंगे जी बकलावा ये तुर्किश की स्वीडिश है बहुत ही ज़्यादा मिठी होंगी जिमें अपने रसगुल्ले होंगे ने ओनी मिठी होंगी है इन्हें कहें बकलावा ये तुर्किश का तुर्किश की स्वीडिश है तो हम निशान भाई लगे ने जी सैलड का बना सरूफका बना लगे ने आ देखो जी सरूफका सरूफका यानी कि सैलड जिंद प्याज पत्ता गोभी खीरा ये भी लाल पत्ता गोभी है और गाजर पई टमाटर उधर पे ने आ पकिंसका है जी पकिंसका आई डोंट नो इंडियन लैंग्वेज की कहते हैं ज़्यादा तो पत्ता गोभी गाजर तो होर की खीरा ये मिक्स कर दे तुसी है ना। हाँ तो भाई इले किलो सोच नहीं है जी सरूफ का और शप्राशम कितने किलो रोज का जाता है सरूफ का आप बनाते हो? मैं अभी मास को आज कितना उसी हिसाब से नहीं आज ज़्यादा तो भाई सरूफ का बनाने में आपको कितना टाइम लगता है? ये मेरे को लगता है ज़्यादा नहीं आधा घंटा सरूफ का बनाने में इतना नहीं लगता मगर मेरे पास इधर जगह कम की वजह से चलो टाइम ज़्यादा लगता यानी कि 15 से 20 मिनट लगते हैं ये बार्तक बनाने कुर्चक का ये मुर्गे का सीख लगाने में और ये आधा घंटा यानी कि सुबह सुबह 2 घंटा काम मान के चलो आप 2 घंटा नहीं 1 घंटे 1 घंटा भी आप बहुत ज़्यादा काम होता है 1 घंटा आपके पास 1 घंटा से 1 घंटा 15 मिनट तो आपके पास जो लड़के काम करने वाले हैं जो दूसरा दोस्तावे का लड़का काम करता है वो कितने बजे आता है? वो आएगा कितने बजे? 12 बजे आएगा तो डिलीवरी का काम करता है। तो आपके पास और भी लड़के काम करते हैं आप ही काम करते हैं? आज आपके पास 2 ड्राइवर हैं और मैं अच्छा और आप 3 बंदे काम करेंगे आज 2 डिलीवरी पे नहीं नॉर्मली नहीं अगर आप जब छुट्टी पे होते हैं तो आपके पास कोई लड़का तो आता ही होगा काम करने को एक दोस्त मेरे हेल्प करता है अच्छा वो भी नेपाल का तो उसको कितने पैसे देते हैं आप? उसको देता हूं मैं 15 रोटी घंटे की ठीक है मैंने उसको काम इतना आता नहीं होगा अभी आता है काम तो आता है अच्छा काम आता है उसको ठीक है सेल के हिसाब से जलोटी भी घंटे की बहुत है भाई ज्यादा हुआ फिर मैं ज्यादा भी देता ठीक है
ये देखो जी, ये इसमें मेरे को भर के काटना है। ये भर के काटना? हाँ ठीक है। ये सैलड ये काट रहे हैं जी। काट तो मैं जल्दी भी ले सकता काट सकता था, मगर जगह कम है ये मुश्किल। ठीक 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 है, जगह कम है आपके पास, इसलिए आपको मुश्किल है। तो आप कितने दिन काम करते हैं हफ्ते में? मैं अभी फिलहाल 5 ही दिन करता हूँ, 2 दिन। अच्छा, 2 दिन छुट्टी करते हैं, 2 दिन वो आपका फ्रेंड आपकी हेल्प करने आता है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो दस्तावेज जो डिलीवरी वाले लड़के आपके पास वो कितने हैं? मेरे पास एक लड़का एक लड़की है। एक लड़का एक लड़की, और वो कितने कितने दिन काम करते हैं? वो नॉर्मल नॉर्मल। हाँ देखो ये इतना, हाँ देखो इतना कटा जाता सलाद नींद नाल। अच्छा, एक दिन एक दिन लड़की आती है, एक दिन लड़का आता है। ठीक है ठीक है ठीक। तो उनको आप कितने पैसे देते हैं? उसको देता हूँ 14 रुपये घंटे प्लस तेल का। अच्छा, 14 रुपये घंटे का और प्लस तेल, तेल का मिला के 200 रुपये बन जाता है। अच्छा, 200 रुपये यानी कि बन जाता है। और कितने घंटे काम करते हैं वो? करते हैं सुबह 10 से लेके हाँ शाम को 9:30 तक। सुबह 10 से लेके 9:30 यानी 10 बजे तक ही हो गए? 10 ही बज गए यानी कि 12 घंटे ड्यूटी करते हैं वो। तो 12 घंटे का 200 जलोटी। ठीक है ठीक है, पैसे तो अच्छे हैं, 14 रुपये 15 रुपये घंटे का। क्योंकि उन लोगों का आ देखो इस सलाद दे विच शुगर ते साल्ट। आ देखो सलाद कट लिया सारा इन्होंने, पत्ता गोभी गाजर खीरे और थोड़ा सा ऑसिड वगैरह डाल दिया। तो अभी ये शुगर और साल्ट डाल के इसको मिक्स करेंगे, और फिर मिक्स करके इसको बेचने के लिए ये रेडी हो जाएगा जी। ये देखो जी, इसमें भाई और भी डालते कुछ पत्रुष्का वगैरह कि नहीं? कौन सा? ऑरेगन। ऑरेगन डालेंगे इसमें थोड़े से। तो ये ऑरेगन डाल दिए और अभी इनको करेंगे ये मिक्स, और मिक्स करके और ये हो जाएगा जी रेडी टू सेल। ठीक है निशान भाई। काफी मेहनत लगती है सैलड बनाने में। हाँ देखो जी, बीफ का मास पकना शुरू हो गया वा, अग लगी हुई घूमी जाता। देखो पकना शुरू हो गया मास। तो कूरचक जिन्हों चिकन का मास या मुर्गे का मास, देखो अग लगी हुई है। तो मैं तुम प्योर सिखा वा। हाँ देखो जी, ये भी पकना शुरू हो गया वा। हाँ देखो थले तेल डिगदा पाया वा, पक पक के गैस के नालू कहते हैं। ये फैट फ्री यानी कि तेल सारा निकल जाता थले, फैट फ्री मास हो जाता है। ये बीफ ये भी पकना शुरू हो गया हौली हौली, बस इन्हें कट के तो सैलड के ला के। आ देखो जी, मैं तुम्हें दिखाना सैलड। ये आ देखो सैलड फ्रिज के लगाता उन्होंने, इतने लग जाएगा। और देखो फ्रिज के सैलड लगाता, सॉस पई है। एक दो सैलड होर बनाने जो भी कट के लगा देंगे। तो मास में कट कट के रोटी पा के सैलड में रोटी पाया, एक रोटी होती तुर्किश रोटी, वह भी शामी आवा। निशान भाई शाम को आऊँगा या 2 घंटे के पास बाद में आऊँगा आपके पास, आप रेडी करें तो फिर दिखाएंगे कि आप काट के कैसे बेचते हैं, कस्टमर भी तब तक आ जाएंगे। ठीक है जी, ठीक है जी। शाम को आना, फिर शाम को आप देखते हैं निशान भाई सैलिंग किमें कट के किमें बनाते हैं, किमें ग्राहक को देते हैं। तो शाम को मिलते हैं। कोई शाम के 4 बज गए ने, 4:30 का टाइम होना वा। तो हनेरा देखो कि हो गया। तो आप आ गए निशान भाई को फिर कबाब से, देखते हैं जाके जी कबाब किमें बनाने ने, ते दुकान की सजावट किमें की हुई है। और निशान भाई क्या हाल है? सजावट मसलावा कबाब
ये देखो जी कूचक निशान पाई करते पे ने जिमें जिमें पकता जाता उतो उतो एक तह पतली पतली शुरे के नाल कटते जाते हैं। मशीन के साथ जल्दी होता है, जल्दी होता है जितनी जरूरत वो भी ना कितना काट लिया कूर्चा का एक पूरा लाया। ये क्या शदेव का जैसे दुर्गा तो सारा फलाफल क्या ये फलाफल फलाफल वेजिटेरियन वेजिटेरियन के बाद सब बनाने का तरीका एक ही। अच्छा सब बनाने का तरीका एक ही है। ये जो आप बना रहे हैं ये क्या चिंकी है? ये चिंकी है, एक गुरुबे तलश है, एक बॉक्स है, एक तलश अमेरिकांस की। वो सभी इसी में बनते हैं? सभी रेट अलग अलग है। ठीक है ठीक है। ये वेज वेज तो वेजिटेरियन है। सभी के बनाने का तरीका एक ही है। मांस डाला रोटी में, थोड़ा सलाद डाला, सॉस डाली, मैंने सॉस डाल दिया। अभी सॉस डाल दी, जो भी इसको रोलिंग कर दिया और ग्रिल में डाल दिया। दो मिनट बाद प्रेशर। ये क्या बॉबी ना बीफ, यानी बीफ। हाँ बीफ है ये। ये भी वैसे ही रोटी में मांस डाला, सॉस डाली, इसका सॉस डाला और वैसे ही सैलड सरूफ का जो भी है, प्याज सब कुछ, पत्ता गोभी, ये लाल पत्ता गोभी, थोड़ा सब कुछ थोड़ा थोड़ा डाल के। ज्यादा भी जाता है तो कस्टमर की डिमांड है जैसे भी है। हाँ टाइम की ठीक है ठीक है। जैसे रोल की बनाकर और इसको जैसे ग्रिल में डाल दिया, थोड़ी देर में यानी 30 सेकंड 50 सेकंड या 1 मिनट, 2 मिनट में रेडी है। 2 मिनट अच्छा 2 मिनट ग्रिल में डालना और अच्छा हो जाता, 2-3 मिनट। ठीक 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 है। ये गोभी ना मिक्स मिक्स सबसे बड़ा। अच्छा 18 रुपये का, 18 में रोटी का, 18 का सबसे बड़ा, 1-10 स्पाइसी का। उसका मेरे रूप में प्याज वाल डाला, थोड़ा सलाद दिए मिक्स किया, सलाद दिए और इसका सॉस ओके स्पाइसी स्पाइसी। हाँ ओके कैसे बन कर दिया और रोल कर दे, रोल करके और इसको इधर ग्रिल में डाल। तो मैं आई पे रखा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और टाइम है ये कुर्चक चिकन। हाँ ये चिकन, ये चिकन का सॉस मिक्स है, चिकन का सॉस मिक्स है। इसमें प्याज
इतना सा लाल रखे, ऊपर सॉस डाल देनी है उसके चीज के साथ। अभी डिलीवरी वाला आएगा लेके ये भी वैसे ही सेम उसी के साथ रखता हूँ। भैया क्या प्राइस बना रहे? प्राइस प्राइस फ्रेंच फ्राइज चिकन विंग्स है। चिकन विंग्स चिकन विंग्स डिलीवरी ऐसे आता है। ये डिलीवरी का एक ऑर्डर आ गया। ये भी है रेडी टू ईट। हाँ ठीक है, ग्रिल में अच्छा हो जाता है। बस इसको पैक कर दिया, रेडी टू ईट है। अभी दोस्तावे वाला डिलीवरी वाला आएगा और वो लेकर जाएगा, ठीक है ना? ओके। ये वेजिटेरियन वेजिटेरियन और दूसरा है चिकन। ये है चिकन जी। जी जी ओके ओके। दोस्तावे वाला बंदा भी आ गया दोबारा, फिर तो काम तला तक चलन लिया वा। नया ऑर्डर है, उबर का ऑर्डर है। ये उबर की मशीन है, उबर का ऐसे ऑनलाइन ऑर्डर आता है। ऐसे आया? अच्छा हाँ, छोटा छोटा आता है, ज़्यादा नहीं। ठीक 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 है। रेडी टू ईट, रेडी पैक कर दिया। जो भी मास है वो लिख दिया। जिंदा हो रहे मानो। पकुए दो सौ प्रासे जी सही डिलीवरी गाड़ी। ये सी जी अज की वीडियो कबाब ते कम। निशान भाई ने अपन सारी इनफॉर्मेशन दी है भी कबाब का किन्ना कम है, किमें कबाब सवेरे बनाई दा, किमें सलाद कटी दा, किमें बाद चो कबाब नू कट के रोटी दे विच पा के बनाई दा। सारी इनफॉर्मेशन दी सी। पैसे बिजनेस शुरू करन ते पैसे किन्ने लगते हैं, तो जिहड़े बंदे कम करते हैं इन्हां कोले कबाब ते एज ए कुक एज ए डिलीवरी बॉय उन्होंने किन्ने के पैसे बनते हैं, सारी इनफॉर्मेशन सी। बाकी मिलते हैं जी अगले वीडियो। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह।